हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बीवी को 14 साल की जेल हो चुकी है। ये मामला तोशाखाना मामला है, जिसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री को और उनकी धर्मपत्नी को सजा मिली है। लेकिन एक सवाल कि आखिर ये तोशाखाना मामला है क्या, जिसके तहत पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई है। तो आज हम आपको इसी मामले के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को सरकारी उपहारों की अवैध बिक्री से संबंधित एक मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने बुधवार को कहा कि खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए महंगे सरकारी उपहार अपने पास रखने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में भ्रष्टाचार विरोधी अदालत के जरिए जारी फैसले में यह भी कहा गया है कि दंपत्ति को अगले 10 सालों के लिए सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। दोनों पर 787 मिलियन का जुर्माना भी लगाया गया है। ये सजा 71 साल के खान और उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को आधिकारिक रहस्यों का खुलासा करने के लिए मंगलवार को 10 साल की जेल की सजा मिलने के एक दिन बाद सुनाई गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तोशाखाना नियम राज्य के खजाने से उपहारों से संबंधित है। कहते हैं कि सरकारी अधिकारियों को तब तक उपहार रखने की अनुमति है जब तक वे उनके लिए पेमेंट करते रहते हैं, यानी कीमत चुकाते रहते हैं। हालांकि उपहार पहले जमा किए जाने चाहिए, यानी ये उपहार पहले सरकार के खजाने में जाने चाहिए। तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के अंतर्गत एक विभाग है जो सभी सार्वजनिक अधिकारियों को मिले उपहारों और महंगी चीजों को अपने पास रखता है, उनका रिकॉर्ड रखता है। नियम कहते हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 30,000 PKR से कम कीमत वाले उपहार अपने पास रख सकते हैं। बता दें कि विवाद पहली बार तब उजागर हुआ जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के तहत बनी गठबंधन सरकार ने अगस्त 2022 में खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। PMLN ने दावा किया था कि खान ने तोशाखाना को दिए गए उपहारों के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया और इसका सहारा भी लिया, कुछ उपहारों की अवैध बिक्री भी की। जब खान 2018 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने अन्य देशों से मिले उपहारों का खुलासा करने के संबंध में प्रतिरोध दिखाया और कहा कि इससे विदेशी संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। सत्ता में रहते हुए खान ने पाकिस्तान चुनाव आयोग यानी ECP को एक पत्र लिखकर कम से कम 4 उपहार बेचने की बात स्वीकार भी की थी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सरकार को कीमत का 1% भुगतान करके उन्हें खरीदा है। इन गिफ्ट में महंगे कफलिंग्स, रोलेक्स घड़ियां, अंगूठी और महंगे पेन थे। बता दें कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री के अनुसार घड़ियों में सबसे कीमती मास्टर ग्राफ सीमित संस्करण की अनुमानित कीमत $3,00,000 है। यानी सीधी सी बात यह है कि अब इमरान खान का शासन खत्म हो चुका है। जब वे प्रधानमंत्री बने थे तो भारत को लगा था कि शायद वो भारत के लिए एक अच्छे पड़ोसी मुल्क के PM साबित होंगे, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान की रंगत और नियत है वैसा ही हमें भी देखने को मिला। खैर, ये था पाकिस्तान का सबसे चर्चित घोटाला तोशाखाना मामला। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।